चलिए जानते हैं बॉलीवुड की आज कुछ खास खबरें। एक्ट्रेस भूमि की अपकमिंग फिल्म भक्षक की स्क्रीनिंग मुंबई में होस्ट की गई। अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग में भूमि सिंपल साड़ी के लुक में पहुंची, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये फिल्म 9 फरवरी को रिलीज होगी। विदेशी मॉडल और एक्ट्रेस एमी जैक्सन ने हाल ही में अपना 32वां जन्मदिन मनाया, जिसकी एक झलक उन्होंने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। मशहूर एक्टर अंशुमन झा को लक्कड़ बग्गा 2 की शूटिंग टालनी पड़ी, क्योंकि उनकी पत्नी सियारा मां बनने वाली है। एक्टर करीब एक महीने शूटिंग से दूर रहेंगे। शाहिद और कृति सेनन की अपकमिंग मूवी तेरी बातों में उलझा जिया को सेंसर बोर्ड ने दिया 440 वोल्ट का झटका। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सेंसर बोर्ड ने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के सीन्स पर कैची चला दी है। एक्टर कार्तिक आर्यन की दादी जिम में बना रही थी अपनी बॉडी। कार्तिक ने सोशल मीडिया पर अपनी दादी का जिम में एक्सरसाइज करते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। कार्तिक ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, दादी ऑन फायर, मुझ पर फोकस मत करो बल्कि मेरे पीछे के चैंपियन पर ध्यान दो। सोशल मीडिया पर इन दिनों मी एट 21 यानी 21 साल की उम्र में हम कैसे दिखते हैं, उसकी तस्वीरें सेलिब्रिटी लोग शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ट्रेंड में प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, करिश्मा कपूर और कंगना रनौत भी शामिल हैं। अब ईशा देओल, जो इन दिनों अपने तलाक की खबरों के चलते सुर्खियों में हैं, उन्होंने भी अपनी 24 साल पुरानी एक वीडियो शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवी रामायण में साई पल्लवी अब नहीं बनेंगी राम की सीता। रिपोर्ट की माने तो माता सीता के रोल के लिए नितेश तिवारी ने जानवी कपूर को सेलेक्ट किया है। फिल्म में सीता का किरदार साई पल्लवी की जगह एक्ट्रेस जानवी कपूर निभाएंगी। 6 फरवरी की रात को बिग बॉस सीजन 17 के पार्टिसिपेट की रीयूनियन पार्टी रखी गई थी, जिसमें आयशा खान ने पार्टी में खूब रौनक जमाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में आयशा स्टूडेंट ऑफ द ईयर के गाने डिस्को दीवाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्टर जॉन इब्राहिम की अपकमिंग फिल्म वेदा की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। यह फिल्म 12 जुलाई को सिनेमाघर में रिलीज होगी। शादी के 12 साल बाद पति से अलग हुई धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल, भरत से लिया तलाक।